उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंग कमांडर अभिनंदन के वतन वापसी पर कहा कि ये नया भारत है, नए भारत का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया में बोल रहा है। भारत की धरती पर विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत और अभिनंदन पूरा देश कर रहा है। भारत में मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की मोदी सरकार जो भी काम कर रही है ये आप सभी ने देखा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति की मजबूत सरकार होती है तो आतंकी कैंपों को नष्ट करने के साथ ही अपने सैनिकों की सुरक्षित देश वापसी भी कराने की क्षमता होती है। ये एक मजबूत सरकार ने करके दिखा दिया है। वास्तव में किसी नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने का नाम ही मोदी है। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का भी अभिनंदन करते हैं। उन्होंने जो शौर्य पराक्रम दुश्मन के सामने और आतंकवाद को नष्ट करने के लिए किया है वो पूरे देश और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत के विंग कमांडर श्री अभिनंदन का भारत की धरती पर वापस होने पर भारत के प्रत्येक भारतवासी ने वंदन किया है, उनका अभिनंदन किया है। भारत के अंदर एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार आज कार्य कर रही है। ये नया भारत है और न्यू इंडिया के इस भारत में भारत का शौर्य और भारत का पराक्रम कैसे दुनिया के अंदर बोल रहा है। आपने देखा होगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत सरकार जब होती है तो आतंकी कैंपों को नष्ट करने के साथ ही अपने सैनिकों की सुरक्षित वापसी कैसे की जा सकती है, यह एक मजबूत सरकार ही कर सकती है। और वास्तव में यह काम नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम ही मोदी है और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह सब करके दिखाया है। हम लोग मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, अपने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का भी हृदय से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो शौर्य पराक्रम दुश्मन के सामने और आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो किया है वह पूरे देश के युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होगा।